हेलो बच्चों, आज हम लोग बीए पार्ट वन ज्योग्राफी का पेपर टू एशिया रीजनल स्टडी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एशिया क्लाइमेट। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप में जलवायु में कई तरह की विषमताएं मिलती हैं। जहां विश्व का सबसे गर्मा भाग जैकबाबाद मिलेगा, तो सबसे ठंडा बर्खोयांस्क रूस का मिलेगा, यानी 50 डिग्री से लेकर -50 डिग्री तक इस महाद्वीप में पाए जाएंगे। और इसमें जलवायु की विषमता के साथ साथ कई तरह की भिन्नताएं मिलेंगी, जैसे कि इसका दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में सबसे अधिक वर्षा मिलेगी, तो जहां 50% और उससे कम जो है 25 सेंटीमीटर भी मिलेगी जो दक्षिण और मध्य भाग में मिलेंगी। तो आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और ये जो मौसम को हम लोग दो भागों में बांट रहे हैं, एक तो समर कंडीशन यानी कि ग्रीष्म ऋतु की दशाओं के बारे में और दूसरा शीत ऋतु की दशाओं के बारे में। तो जो ग्रीष्म ऋतु की दशाएं हैं, इसमें आप इस डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर समताप रेखाएं दिखाई जा रही हैं। आप देखेंगे कि एशिया महाद्वीप में मार्च माह के पश्चात सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं। इस कारण एशिया में अप्रैल माह से ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है और संपूर्ण स्थल खंड का तापमान बढ़ने लगता है। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में वर्ष के अधिकांश समय बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में तापमान 10 डिग्री तक पहुंच जाता है। 26 डिग्री की तापमान रेखा एशिया के मध्य भाग से, ये देखिए, ये 26 डिग्री की जो तापमान रेखा है ये एशिया के मध्य भाग से गुजरने के कारण एशिया का दक्षिण पश्चिमी भाग जो है वो अत्यंत गर्म हो जाता है और इस भाग में सामान्य तापमान जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चली जाती है। यहां आप देख सकते हैं, अरब का मध्य भाग, इराक का मध्य और पश्चिमी भाग, भारत का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, पाकिस्तान के पूर्वी भाग पर गर्म जलवायु का विस्तार पाया जाता है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। इस समय पाकिस्तान में जैकबाबाद जो है उसके आसपास विश्व का सबसे अधिक तापमान जो कि 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है और इस ऋतु में एशिया के अधिकांश भाग में औसत तापमान जो है 45 डिग्री से अधिक रहता है। वायु दाब पर अगर आप आए तो देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होते ही एशिया महाद्वीप में तापमान बढ़ना आरंभ होता है। इसके फलस्वरूप मध्य एशिया के उच्च दाब क्षेत्र जो है वो निम्न दाब क्षेत्र के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ कर जाते हैं और जून के माह में जब एशिया महाद्वीप का दक्षिण पश्चिमी भाग तापमान अत्यधिक होने के कारण भीषण गर्मी प्राप्त करता है तो इस भाग में बहुत शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र बन जाते हैं तथा पंजाब राज्य में निम्न दाब का सबसे अधिक प्रभाव होता है। ये आप देखें और यहां सबसे कम दाब जो है लगभग 995-996 मिलीबार का यहां आपको मिलेगा। और इसी समय एशिया के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर पर उच्च दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है जहां वायु देव लगभग 1115 तक चला जाता है और एशिया के उत्तरी भाग में स्थित आर्कटिक महासागर पर भी उच्च दाब क्षेत्र ऊपर की तरफ पाया जाता है। अब इसके हिसाब से वायु की दशाएं कैसे होती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में मध्य एशिया और दक्षिण पश्चिमी एशिया में भीषण गर्मी और उच्च तापमान के कारण निम्न दाब क्षेत्र वाले जो हवाएं हैं वो गर्म और हल्की होकर ऊपर उठती हैं और इनकी पूर्ति के लिए उच्च दाब वाले क्षेत्रों से हवाएं चलना प्रारंभ करती हैं और इस तरह ग्रीष्म ऋतु में सामुद्रिक उच्च दाब केंद्रों से हवाएं स्थलीय क्षेत्र के निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलना शुरू कर जाती हैं। और इसमें दो तरह की हवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली जो है वो है दक्षिण एशिया से चलने वाली, जिसे दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं, यह हिंद महासागर की ओर से चलती है इधर से, और दूसरी जो है पूर्वी एशिया से चलने वाली हवाएं जिन्हें दक्षिण पूर्वी मानसून कहते हैं, यह प्रशांत महासागर की ओर चलती है। ये हवाएं मौसम के अनुसार चलती हैं और मानसूनी हवाएं भी कहलाती हैं। अब प्रेसिपिटेशन या वर्षा और ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में देखा जाए तो आप देखेंगे कि जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और यह हवाएं जल से भरी होने के कारण समुद्री क्षेत्रों को पार कर महाद्वीप में पहुंचती हैं। तो आप देखेंगे कि यहां से आएंगी और इस क्षेत्र में पूरा ये हिंद चीन का क्षेत्र सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है और
ये भारत मैक्सिमम भारत का जो पश्चिमी भाग है और पूर्वी भाग जो कि बे ऑफ बंगाल से फिर नमी लेकर जो बारिश पड़ती है, तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ उत्तर तक ये जाकर बारिश यहां तक कराते हैं। इसमें क्या है कि एशिया महाद्वीप में कूल होने वाली वर्षा का लगभग 85% अगर देखा जाए तो इन्हीं मानसूनी हवाओं के द्वारा होता है। और भारत के मेघालय के पर्वतीय भागों में मौसिन राम, आपको मालूम है वर्ष सबसे ज्यादा वर्षा, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश 1100 सेंटीमीटर और उससे ज्यादा ही पाया जाता है। और हिंद चीन का जो भाग हो गया, ये पूरा हिंद चीन का जो भाग है, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, भारत का पश्चिमी घाट, बंगाल, असम, ये सारे क्षेत्र जो है 250 सेंटीमीटर से ऊपर, ये ब्लैक में सब उससे ऊपर बारिश वाले क्षेत्र मिलेंगे। और एशिया का यह भाग ग्रीष्मकालीन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा भी वर्षा प्राप्त करता है, जो कि पिछले वाले डायग्राम में हमने देखा था। और ये चक्रवात तूफान के रूप में आते हैं और घनघोर वर्षा करते हैं। एशिया के मध्य भाग की जो उच्च पर्वत श्रेणियां हैं वो आर्द्र हवाओं को रोकती हैं, जिसके कारण एशिया का मध्य भाग और दक्षिण पश्चिमी भाग वर्षा से वंचित रह जाता है। तो ये सबसे कम बारिश वाले क्षेत्र जो है, क्योंकि ये देखा जाए कि इधर हिमालय और जो मध्य भाग ये जितने भी पर्वतीय श्रृंखला है, इनकी वजह से ये मानसूनी हवाएं पूरी तरह से पश्चिम की तरफ नहीं जा पाती हैं, तो ये शुष्क क्षेत्र मिलेगा। बाकी आपको मॉडरेट क्षेत्र मिलेंगे और जो मध्य और कम बारिश के क्षेत्र, और फिर साइबेरिया और नॉर्थ में आपको सबसे कम बारिश मिलेगी। अब शीतकालीन दशाओं को देखा जाए तो इसमें आप देखेंगे कि एशिया महाद्वीप में शीत ऋतु अक्टूबर से प्रारंभ होगी और यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो नीचे की तरफ चली जाती हैं, मकर रेखा की ओर बढ़ेंगी, और दिसंबर के माह में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिससे एशिया के उत्तरी और मध्य भाग सूर्य की किरणें न पहुंचने कारण अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं। और एशिया की मध्यवर्ती जो उच्च पर्वत श्रेणियों के कारण जो समुद्री भाग हवाएं हैं इस भाग तक नहीं पहुंचने पाती। उत्तरी ध्रुव से चलने वाली ठंडी और बर्फीली हवाएं एशिया के इस उत्तरी और मध्य भाग को और अधिक ठंडा कर देंगी, जिससे इन भागों में तापमान गिर जाता है। जनवरी माह में 0 डिग्री सेंटीग्रेड की संताप रेखा अंटोलिया पठार के उत्तरी भाग से होते हुए ईरान होते हिमालय पर्वत श्रेणियों के सहारे सहारे गुजरती चीन की मध्य भाग में पहुंच जाती है। एशिया में रेखा के उत्तरी भाग में स्थित संपूर्ण भूखंड बहुत ही ठंडा हो जाता है और इस क्षेत्र का तापमान जो है वो हिमांक बिंदु से भी नीचे आ जाता है। और साइबेरिया में कहीं कहीं ये देखिए -9 डिग्री 18, 27, 36 डिग्री ये टेम्परेचर, कहीं कहीं -50 डिग्री भी मिलता है। वायु दाब अगर देखा जाए, ये वायु दाब का डायग्राम है, तो शीत ऋतु के प्रारंभ होने पर एशिया महाद्वीप में तापमान गिरना प्रारंभ होता है और मध्य एशिया के निम्न दाब क्षेत्र धीरे धीरे उच्च दाब क्षेत्रों में बदलते हैं। एशिया में अत्यधिक कठोर सर्दी जनवरी में पड़ती है, तो एशिया का मध्य भाग उच्च दाब क्षेत्र का केंद्र बन जाता है, ये आप देख सकते हैं, और 1036 मिलीबार तक ये जाता है। इसकी संभार रेखाओं की बनावट अंडाकार होगी और इस संभार रेखा के बाहर में कम सा वायुदाब कम होता चला जाएगा। इससे एशिया महाद्वीप के इस भाग में प्रति चक्रवातों या एंटीसाइक्लोन की उत्पत्ति होती है और हिंद महासागर पर निम्न दाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस क्षेत्र में ये लगभग 1012 मिलीबार तक है। अब हवाओं को देखा जाए तो ये शीत ऋतु में कठोर सर्दी और निम्न तापमान के कारण एशिया मध्य में मंगोलिया के पास गोभी के मरुस्थल के ऊपर ठंडी उच्च दाब की हवाओं का समूह केंद्रीभूत होगा और उच्च दाब क्षेत्र से समुद्री निम्न दाब क्षेत्र की ओर हवाएं चलनी प्रारंभ हो जाती हैं और इन हवाओं की दिशाएं थल से जल की ओर अथवा महाद्वीपीय स्थल खंड से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। चूंकि ये हवाएं स्थल से चलने के कारण अत्यधिक ठंडी होती हैं और इन हवाओं में नमी के कारण शुष्कता भी होती है, ठंडी और शुष्क होने के कारण यह हवा जहां भी जाएगी तापमान को गिरा देती है और वहां बर्फ जमती है। मध्यवर्ती उच्च पर्वत श्रेणियों को ठंडी और शुष्क हवाएं पार नहीं कर पाती, इसलिए भारत और पाकिस्तान में तापमान इतने नहीं गिर पाते जितने चीन में गिरते हैं। ये शरदकालीन मानसून हवाएं दो दिशाओं में चलती हैं, जिन्हें उत्तर पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से पुकारते हैं। अब शरदकालीन वर्षा के बारे में देखें, इस ऋतु में
हवाओं का प्रवाह स्थल से जल की ओर होगा, इसलिए ये शरदकालीन मानसून हवाएं ठंडी और शुष्क हो जाती हैं और इन हवाओं के द्वारा वर्षा प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं होती है। यही कारण है कि एशिया का अधिकांश भाग इस ऋतु में शुष्क रह जाता है। इस ऋतु में एशिया महाद्वीप में बहुत कम वर्षा होती है। ये शुष्क हवाएं समुद्र को पार करके जब ये इनको रिटेटिंग मानसून कह सकते हैं, जब ये लौटती हैं तो समुद्र से नमी लेंगी और इंडोनेशिया के पार्ट पर और भारत का जो ईस्ट तमिलनाडु का पूर्वी तट है, इस क्षेत्रों पर बारिश करते हुए वापस लौट जाती है। और बाकी आप देखेंगे मैक्सिमम जो है 25 सेंटीमीटर तक ही बारिश वाले पूरे क्षेत्र हैं। तो इतना क्लाइमेट के लिए आज का, धन्यवाद।